प्लास्टिक भी कमाल है, इससे आप कपड़े, पैकिंग का सामान, कार के अलग अलग हिस्से और यहाँ तक कि इससे घर भी बना सकते हैं। प्लास्टिक बनाना आसान है और साथ ही ये बेहद मजबूत भी होती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है। अगर ज्यादा साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह इंसान प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। प्राकृतिक रूप से प्लास्टिक नष्ट होने में लंबा समय लगता है। क्या आप मानेंगे कि जिस प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल आप करते हैं उसे नष्ट होने में कम से कम 400 साल का समय लगेगा? तो इस हिसाब से शेक्सपियर के इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल हम आज भी कर सकते हैं। यही नहीं, चिप्स खा के फेंके गए पैकेट्स इस धरती पर उतने ही समय तक जैसे के तैसे रह सकते हैं जितने समय से यहाँ पे पिरामिड्स मौजूद हैं। अगर सच कहा जाए तो अभी तक बनाए गए प्लास्टिक का हर एक टुकड़ा आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। दुर्भाग्य से आज अच्छी खासी मात्रा में समंदर में प्लास्टिक डंप किए जा रहे हैं और उसकी तली में लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। वहीं अगर वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस को देखा जाए तो हर साल हम अपने ओशंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक डंप कर रहे हैं। समुद्र में उठने वाले चक्रवाती तूफान प्लास्टिक इकट्ठी कर देते हैं, जिससे प्लास्टिक के बड़े बड़े आइलैंड बन जाते हैं। उनमें से कुछ प्लास्टिक आइलैंड तो यूएसए से भी बड़े हैं। तैरते हुए प्लास्टिक के इन टुकड़ों को टर्टल्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स और सी बर्ड्स जैसे समुद्री जीव खाते हैं, जो उनके लिए घातक साबित होते हैं। धूप और समुद्री लहरों से प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिन्हें फिर प्लैंकटन नाम के छोटे जीव निगल जाते हैं, जिन्हें फिर बड़े जीव खाते हैं और अंत में उन समुद्री जीवों को इंसान खाते हैं। यानी हम एक तरह से प्लास्टिक ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक फुटप्रिंट कम करने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इन तीन आर के बारे में विचार कीजिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कैसा है? सबसे पहले तो क्या हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं कर सकते? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने लोकल ग्रीन ग्रॉसर के यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। साथ ही हमें सामान लाने ले जाने के लिए ऐसे बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम रीयूज कर सकें। इसके अलावा अगर हमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आपको पानी की बॉटल चाहिए तो आपको उसे खरीदते वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं या नहीं। और आखिर में अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप उसे रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं। बहुत सी प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं होती और जो रिसाइकलेबल होती भी हैं उन्हें भी एक सीमित मर्तबा ही रिसाइकल किया जा सकता है। यानी रिसाइकलेबल प्लास्टिक भी हमारी समस्याओं का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। समुद्री प्लास्टिक कम करने के लिए अगर हर रोज 2 मिनट बीच साफ किए जाएं तो क्या आप सोच सकते हैं ये आइडिया कैसा है? क्या आपको अंदाजा है कि आप पूरे साल में कितना समुद्री कचरा साफ कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।